बिलारी स्वदेशी जागरण मंच ने शुक्रवार को बिलारी एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में मांग की गई कि छात्र छात्राओं की स्कूल फीस को कोरोना काल में आर्थिक तंगी को देखते हुए माफ किया जाए। स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक अंशुल कुमार के नेतृत्व में अग्रवाल सभा बिलारी के श्री वैश्य कुमार तनय, सभा युवा व्यापार मंडल और शिवसेना ने संयुक्त रूप से उप जिलाधिकारी बिलारी को ज्ञापन देकर प्रधानमंत्री महोदय से मांग की कि कोरोना वायरस चलते लॉकडाउन लगने से न केवल गरीब वर्ग पर आर्थिक मंदी का असर पड़ा है बल्कि मध्यम वर्ग के लोग भी इस आर्थिक मंदी से प्रभावित हुए हैं। आपसे ज्ञापन के माध्यम से अपील करते हैं कि स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की स्कूल फीस में छूट दी जाए या फीस माफ की जाए। इसके अलावा विद्यार्थियों की रुकी हुई पढ़ाई को ऑनलाइन माध्यम से पूरा कराया जाए। ज्ञापन में अंशुल अग्रवाल, अजय चौधरी, राजीव सक्सेना, असित गुप्ता, रूपक गुप्ता, कौशल ठाकुर, गिरीश गर्ग, आदिश जैन, नितिन अग्रवाल, पीयूष अग्रवाल, प्रशांत गुप्ता, मोहित, अभिनव कुमार, सुधीर बंसल, राजीव कुमार अग्रवाल, अजय गोयल, अमर अली, प्रदीप कुमार, चंदन डुडेजा, राज अरोड़ा, दीप गुप्ता, संजीव गुप्ता, नवल किशोर गुप्ता, राजेंद्र, सुमित सक्सेना, अविनाश यादव, पुनीत आदि के हस्ताक्षर थे। ये है कि जो अभिभावक हैं, हम सब लोग अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, तो ये लॉकडाउन की वजह से काफ़ी आर्थिक समस्याएं सबके सामने आ रही हैं। खासतौर से मध्यम वर्ग और जो गरीब वर्ग है वो काफ़ी इसका पीड़ित भोगी रहा है। तो हमारी मांग ये है एसडीएम महोदय से कि जो है हमारी मांग जो है प्रधानमंत्री तक पहुँचाई जाए और स्कूलों को जो है स्कूल फीस कटौती का आदेश दिया जाए, जिससे कि फीस कटौती या फीस माफ की जाए। फीस अगर पूर्ण माफ कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो फीस कटौती का आदेश दिया जाए। और अगर स्कूल वालों को कोई हानि रहती है, उसमें कोई समस्या आ रही है, तो सरकार उनको थोड़ा सा मदद पहुँचा।